हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए भिंडी की सूखी सब्जी, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे भिंडी हम धुलकर काट लिए हैं, नमक लिए हैं, गरम मसाला, लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, एक प्याज, लहसुन और एक हरा मिर्चा काट लिए हैं, ये हम जीरा ले लिए हैं थोड़ा से, तेल, एक टमाटर मीडियम साइज का, हरी धनिया। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे, गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम उसमें तेल डाल देंगे। तेल हल्का गर्म हो गया, उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा हम हल्का ब्राउन करेंगे। जीरा हल्का ब्राउन हो गया, उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद जो है हम इसमें भिंडी डालेंगे। इसी तरह से हमको इसको चलाना है। प्याज हल्का ब्राउन हो गया, अब हम ये भिंडी जो है डाल देंगे उसमें। इसके बाद जो है हम इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे एक बार इस तरह से। गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे। इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे इसमें। गरम मसाला, लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हम नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। इसी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। हम अच्छे से मिक्स कर दिया, अब उसके बाद हम इसको ढक देंगे। बीच बीच में हमें इसको ढक्कन हटा के चलाते रहना है, वरना ये जल जाएगा नीचे से। एक बार हम फिर इसको चला देंगे। उसके बाद फिर हम ढक देंगे इसको। हम फिर चला देंगे एक बार इसको। हमें हल्के हाथ से चलाना है। ढक्कन को हम हटा देंगे। सब्जी को एक बार हम फिर से चला देंगे। अब हम जो है सब्जी को ढकेंगे नहीं, अब हम इसको जो है ऐसे पकाएंगे। एक बार इसको और ऐसे चला देंगे। भिंडी पक गया, अब उसमें हम हरी धनिया भी डाल देंगे। उसके बाद हम फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। ये देखिए भिंडी पूरा पक गया है एकदम से, भिंडी रेडी है। अब हम इसको जो है किसी प्लेट में निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये। इसी तरह से हम पूरा सब्जी निकाल लेंगे। भिंडी की सब्जी हम पूरा निकाल लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में।
आप लोग भी अपने घर पे जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।